हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं बिगिनर्स गाइड में। दोस्तों आज बिगिनर्स गाइड में यूट्यूब पर के लिए एक बहुत बढ़िया सा चीज़ लेकर आया हो, जो पहले आपको बनाने में बहुत दिक्कतें आती थी, बहुत समय लगता था, बट अभी जस्ट 2-3 मिनटों में आप कर पाओगे ऑटोमेटिकली। वो है सबटाइटल, यानी कि जो आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो में शायद आप लोगों ने देख रहा है यहाँ एक कुछ लिखा आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वही यहाँ दिखाई दे रही है आपको, तो वो अगर टाइप करना है उसको बोलते हैं सबटाइटल। जो ऊपर देखो वीडियो के ऊपर सीसी बोल के लिखा हुआ है, उसको मैं क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा और फिर उसमें क्लिक करोगे तो वो चालू होने लग जाएगा। तो दोस्तों इसको ऑटोमेटिकली कैसे आप कर पाओगे, ये सारी पहले जो आप सबटाइटल लगाना था तो सारी को सारी आप देख देख के टाइप करना पड़ता था, बट अभी ऑटोमेटिक एक सिस्टम से आप कर पाओगे। इसी वीडियो में उसके बारे में बताएंगे। अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके रखना, ताकि सबसे पहले ऐसा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुरंत आपके सामने पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऐसे सबटाइटल अगर लगाना चाहोगे तो अगर आपने जो बोला है हिंदी में वही आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी कि वर्ल्ड के जो लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करना चाहते हो यानी सबटाइटल लगाना चाहते हो, वो आप कर पाओगे। ये सबटाइटल लगाने से एक फ़ायदा क्या है, आप जो हिंदी में वीडियो देख रहे हो, अगर कोई अंग्रेजी लैंग्वेज वाला आदमी आपका वीडियो देखने को चाहते हैं तो वो सबटाइटल देख के उसको ईजी हो जाते हैं। अगर बंगाली में लगाओगे तो बंगाली व्यूअर्स भी आपका वीडियो को देखेगा, इस तरह से आपका वीडियो ग्रो होने में बहुत फ़ायदेमंद होगा ये सबटाइटल। अगर लगाना चाहोगे तो अपने हाथ में जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसके ये भी आप लगा सकते हो जस्ट 2 या 3 मिनटों में। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने मोबाइल के स्क्रीन, तो क्रोम ब्राउजर पे अपनी यूट्यूब चैनल को आप खोलोगे, खोल के देखो यहाँ लेफ्ट साइड पे जो आपका कंटेंट का सिंबल दिखाई दे रहा है, इसमें आपको करना होगा क्लिक। तो इसमें क्लिक करने के साथ साथ आपकी सारी कंटेंट यहाँ आ जाएगा, इनमें से आपको जो कंटेंट पे आपको सबटाइटल लगाना है उसको आपको करना होगा क्लिक। ये जो वीडियो है मेरा, इस वीडियो पे मैंने सबटाइटल लगाऊंगा, तो इसमें हमें करना होगा क्लिक। क्लिक करने के साथ साथ आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, देखो यहाँ भी आपको सबटाइटल, ये जो राइट साइड वाला सबटाइटल है इसको आपको नहीं क्लिक करना है, लेफ्ट साइड में भी आपको एक सबटाइटल दिखाई देगा, तो ये कॉपीराइट के ऊपर देखो ये जो सबटाइटल है इसमें आपको करना होगा क्लिक। इसमें क्लिक करने के साथ साथ आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, तो ऐसे इंटरफेस जब भी आएगा तो देखो हिंदी ऑटोमेटिक हो रहा है आपकी, ये हिंदी ऑटोमेटिक हो रहा है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इंग्लिश या बंगाली या आपकी वर्ल्ड की जो अपनी मर्जी से जिस लैंग्वेज पे आपको सबटाइटल बनाना चाहोगे वही लैंग्वेज पे आप कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे ऐड लैंग्वेज पे करना होगा आपको क्लिक। क्लिक करने के साथ साथ इंग्लिश में हम करेंगे क्लिक। इंग्लिश में क्लिक कर लिया, ये देखो इंग्लिश आ गया, इसमें से जो सबटाइटल के नीचे जो ऐड है उस ऐड में हमें करना होगा क्लिक। को एक काम करना है, देखो हिंदी ऑटोमेटिक जो है इसमें इसके राइट साइड में देखो डुप्लीकेट एंड एडिट, इसमें आपको करना होगा क्लिक। क्लिक करने के बाद ही देखो ये सारी आपका जो आपने जो बोला है हिंदी में ये सब लिख के यहाँ आ गया, और यहाँ से अगर आप चेक करके अगर हो सके कुछ गड़बड़ हो गया आपके बोलने में उसको आप करेक्शन भी कर पाओगे, और करेक्शन अगर ठीक है तो आप यहाँ पे पब्लिश को क्लिक करना है। तो पब्लिश पे मैंने जब भी क्लिक कर लिया तो देखो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज दो लैंग्वेज यहाँ पे आ गया, हिंदी ऑटोमेटिक आ गया और एक आपका जो लैंग्वेज है इसमें भी मॉडिफाइड ऑन, ये मॉडिफाइड हो गया एक और एक ऑटोमेटिक है। अभी क्या करोगे, ये इंग्लिश के राइट साइड में जो सबटाइटल के नीचे जो ऐड है इसमें आपको करना होगा क्लिक। यहाँ देखो एक चीज़ आपके सामने आ रहा है ऑटो ट्रांसलेट, ये ऑटो ट्रांसलेट पे आपको करना होगा क्लिक। ये ऑटो ट्रांसलेट पे आपको करना होगा क्लिक। क्लिक करने के साथ साथ देखो ये जो मैंने जो बोला वीडियो में इसमें आपको शायद दिखाई दे रही वो है इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है, यानी कि मैंने जो हिंदी में बोला वही आपके वीडियो में अंग्रेजी में दिखाई देगा। जब भी ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो आप क्या करोगे, ये जो पब्लिश है इस पब्लिश पे आपको करना होगा क्लिक। पब्लिश में क्लिक करने के साथ साथ ये आपका जो काम ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ये काम कंप्लीट होने के साथ साथ ही जब भी ये वीडियो आप पब्लिश करोगे
तो अपनी व्यूअर्स जब भी ये वीडियो देखेगा उसमें आपको सबटाइटल दिखाई देगा इन पे। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने समझ लिया कैसे सबटाइटल लगाते हैं। अगर थोड़ा सा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड सर्किल में हो सके तो शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे फिर एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।